मैं एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, जावा एप्लीकेशन। इसका नाम हम रख रहे हैं यूजिंग क्लासेस एंड मेथड्स। वैसे तो आप जावा की कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उसके अंदर आप अपनी क्लास डिफाइन कर रहे होते हैं। जैसे ये जो अब मैंने एक एप्लीकेशन बनाई, इसका जो डिफॉल्ट स्ट्रक्चर है उसमें भी आपके पास एक क्लास है, और जो हम एप्लीकेशन का नाम रख रहे होते हैं, अपने प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं, वही आपकी क्लास का नेम होता है। जैसे यहाँ पर नेम आपको नजर आ रहा है, यूजिंग क्लासेस एंड मेथड्स, एक क्लास है आपके पास। अगर आपने कोई और क्लास बनानी हो तो वो भी आप अपनी जावा एप्लीकेशन के अंदर आपकी क्लास जो है वो आप बना सकते हैं। और क्लास बनाने के लिए आप दो तरह से काम कर सकते हैं, या तो क्लास आप सेपरेटली अलग से भी आप बना सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, या आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे पब्लिक क्लास, एक क्लास बनी हुई है, इस क्लास की ओपनिंग ब्रैकेट जा के आप कह लो कि कर्ली ब्रेस इधर है और क्लोजिंग इधर है, तो ये उसने क्लास की बाउंड्री को डिफाइन किया हुआ है। इस तरह से आप एक और क्लास भी जो है वो आप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं क्लास बना रहा हूँ, सपोज उस क्लास का नाम मैं रख रहा हूँ स्टूडेंट, और हमने उस क्लास की बाउंड्री हमने उसकी डिफाइन कर दी। क्योंकि देखो, आप लोगों को मैंने बताया था कि पैकेज क्या होता है। पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड क्लासेस। अब आपके पास ये एक पैकेज है, जो भी आप जो भी काम करते हैं वो एक पैकेज के अंदर होता है, जावा की तमाम एप्लीकेशंस। तो यहाँ पर आपने जो क्लास बनाई है, ये एक क्लास स्टूडेंट है और एक दूसरी क्लास है आपके पास। एक पैकेज के अंदर मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं, तो मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई। अब इस क्लास के अंदर हमने जैसे कल भी बात की थी, इनकैप्सुलेशन में हमने कहा था कि हम दो चीज़ों को कंबाइन कर रहे होते हैं, एक हमारा डाटा और दूसरा मेथड्स होते हैं हमारे। तो अब ये जो आपने क्लास डिफाइन की है, इसके अंदर आप इसका डाटा भी ले सकते हैं और इसके मेथड्स को भी यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। तो अगर आपने इसे कोई डाटा लेना है तो डाटा को आप कुछ इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, ऐसे इंट रोल नंबर या उसके मार्क्स हैं, और सपोज स्ट्रिंग में हम जो है उसका नेम ले लेते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप कुछ मेथड्स वगैरह भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट की क्लास के अंदर एक मेथड मैं ले रहा हूँ, पब्लिक वॉइड कैलकुलेट एवरेज, और सपोज हमने इसको दो इंटीजर वैल्यूज पास करनी है, तो हमने लिख दिया इंट कॉमा इंट, हमने यहां पर ये एक मेथड जो है वो हमने डिफाइन किया। सॉरी, यहां पे हमें इसके नेम्स भी देने हैं वेरिएबल्स के। तो एक्चुअली यहाँ पे जितने भी मेथड्स होते हैं वो आपके इसको आप कह लो कि आप उनकी डेफिनेशंस होती हैं, डेक्लेरेशंस नहीं होती, इन लाइन मेथड्स जिनको हम कहते हैं। तो बेसिकली ये डेक्लेरेशन नहीं है, डेफिनेशन है। तो यहाँ पर आपको कोई नेम देना जो है लाजमी होगा। मैंने एक मेथड बना लिया। इस तरह से आप कुछ और भी काम कर सकते हैं यहाँ पे, जो भी मेथड बनाना चाहें, जो भी काम करना चाहें वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। दो चीज़ों को कंबाइन करना है, एक डाटा है और दूसरा मेथड। डाटा भी हमने कुछ ले लिया और मेथड भी हमने जो है वो एक ले लिया। ये हमारी बन गई एक क्लास, और क्लास जो है वो एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होती है, जैसा कि हमने कल भी बात की थी। क्लास यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। क्लास जो है वो एक टेम्पलेट का काम करती है। क्लास को यूज करते हुए हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। क्लास आपके पास एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, जबकि ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स या फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आप कह लो के होते हैं। क्लास आपके पास एक मोल्ड का काम करती है, एक सांचे का काम करती है। मैंने आपको शायद ही पहले एग्जांपल दी थी कि जिस तरह से आप लोग देखते हैं कि जी घर में आप बर्फ वगैरह जमाने के लिए आप जो है वो बाउल्स को आप यूज कर लेते हैं। वो एग्जांपल जो मैंने आपको दी थी, वो बाउल जो है वो बेसिकली एक क्लास है। उससे जितने भी आप उसके जिसको आप कह लो कि बर्फ जो है वो आप जमा रहे हैं, वो हर एक उसका एक ऑब्जेक्ट है। तो एक क्लास को यूज करते हुए आप जितने चाहो आप ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, और हम ऑब्जेक्ट्स को ही अपनी रूटीन में जनरल लाइफ के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को ही यूज कर रहे होते हैं। अब ये मैंने एक क्लास बना ली। अब इस क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट अगर मुझे जरूरत होगी तो वो मैं बना सकता हूँ,
ऑब्जेक्ट किस तरह से बनेगा। अब मैं ये मेन मेथड में मैं आ रहा हूँ। मेन मेथड में हमारे हमारे पास क्लास का नाम है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्लास का नाम लिखेंगे जी स्टूडेंट। ये क्योंकि एक डाटा टाइप है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, और उसके बाद आगे आप उसका वेरिएबल का कोई नेम रख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल उसका नाम मैंने रख दिया S1, उसको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। नोट करना होगा तो मैं आपको टाइम दे दूंगा, आप नोट कर लेना। वीडियो भी बन रही है, उसको मैं अपलोड भी कर दूंगा, वहां से देख लेना। अभी फिलहाल आप तवज्जो उसकी समझने की तरफ। ये हमारे पास क्लास है, और क्लास मैंने आपको बताया कि एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो जब आपने वेरिएबल वगैरह कोई लेने होते हैं तो वेरिएबल भी हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं ना, जैसे यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, मैंने लिखा डाटा टाइप, लिखी आगे वेरिएबल का नाम दे दिया। तो यही काम मैंने यहाँ किया कि जी मैंने डाटा टाइप लिखी है, डाटा टाइप यहाँ पे स्टूडेंट, और आगे मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया। अगर आप चाहो तो स्टेटमेंट को यहाँ पे कंप्लीट भी कर सकते हैं। सपोज S1, ये स्टेटमेंट हमारी कंप्लीट है, मुकम्मल है, उसका वेरिएबल बन गया। लेकिन ये कोई कंप्लीट ऑब्जेक्ट नहीं बना है। ऑब्जेक्ट कंप्लीट किस तरह से बनेगा, उसके लिए आपको लिखना होगा S1 equals to न्यू स्टूडेंट, और आगे पैरेंथेसिस। इस तरह का हमने पहले भी किया है, जब हमने स्कैनर क्लास का हमने ऑब्जेक्ट लिया था। ध्यान से जाना, जब हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था इनपुट कराने के लिए, तभी हमने ये काम किया था। और इसी तरह का काम जो है, जब हम एरे डेव हमने डिक्लेयर किया था, तब भी हमने ऐसा काम किया था। आज इस स्टेटमेंट को हम ज्यादा डिटेल के अंदर जाके देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट क्या काम कर रही है, इसको जरा हम डिटेल में जो है वो आज हम डिस्कस करते हैं। तो अभी जैसे मैंने इन दो चीजों के मुताबिक तो आपको बता दिया कि स्टूडेंट हमारे पास क्या है, ये क्लास है, और S1 जो है उसका एक वेरिएबल है। और इक्वल्स टू लिखने के बाद जो आपने न्यू लिखा और आगे स्टूडेंट लिखा, ये न्यू एक कीवर्ड है जो आपको हीप में से रन टाइम पर मेमोरी एलोकेट कर देता है। ये बात हमने पहले डिस्कस की हुई है कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन प्रोग्राम चल रहा है, और बीच में अगर आपको मेमोरी की जरूरत पड़ गई है तो फिर आप न्यू ऑपरेटर के साथ लेंगे, और न्यू ऑपरेटर के साथ आप जो भी मेमोरी लेंगे वो आपको हमेशा हीप में से मिलती है। और आगे ये जो हमने लिखा है स्टूडेंट, ये बेसिकली इसका एक कंस्ट्रक्टर है। मैं इस चीज को थोड़ा सा नोट पैड के ऊपर जाके मैं इसको जरा क्लियर कर देता हूँ आप लोगों के लिए। सपोज ये हमारी स्टेटमेंट है, वहां स्टेटमेंट हमने कुछ ऐसे लिखी है, स्टूडेंट S1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट एंड सेमीकोलन। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं? ये सबसे पहले जो हमारे पास स्टूडेंट है, ये तो है हमारे पास क्लास नेम, ये वेरिएबल आ जाएगा, ये न्यू का कीवर्ड है, और ये हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है। इसको मैं लेबल कर देता हूं यहां पर क्लास, जगह थोड़ी इसलिए मैंने वार नेम कर दिया वेरिएबल नेम। और आगे न्यू जो है ये हमारे पास एक कीवर्ड है, और क्यों यूज करते हैं, रन टाइम पर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए। ये कंस्ट्रक्टर है, ये हमारे पास इसका कंस्ट्रक्टर है। न्यू कीवर्ड को दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है या नहीं है? New keyword is used to allocate memory at runtime, मतलब during execution, and during execution memory is always allocated from heap. और जो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के मुताबिक थोड़े सा मैं आपको डिटेल बता दूं, उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि ये स्टेटमेंट काम क्या कर रही है। कंस्ट्रक्टर एक
इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ मेथड. कंस्ट्रक्टर एक जरा स्पेशल टाइप का मेथड है, मेथड है ये भी एक मेथड, क्योंकि देखो हमेशा पैरेंथेसिस मेथड के साथ आती है, तो यहां पे भी हमने पैरेंथेसिस को यूज किया है, तो इसका मतलब यह है कि ये भी कोई मेथड है. लेकिन ये जिस तरह से नॉर्मल मेथड्स हैं उस तरह का मेथड नहीं है, बल्कि ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है. वो डिफरेंट कैसे है वो भी यहां पे बात अभी आपको क्लियर हो जाएगी. इट हैज सेम नेम एज द नेम ऑफ क्लास. कंस्ट्रक्टर का हमेशा वही नाम होगा जो क्लास का नाम है. अगर मैंने इधर क्लास बनाई है, उस क्लास का नाम मैंने रखा है जी स्टूडेंट, उसका जो कंस्ट्रक्टर होगा उसका नाम भी स्टूडेंट होगा. अगर मैंने क्लास बनाई है उसका नाम रखा है कार, तो जो उसका कंस्ट्रक्टर होगा उसका नाम भी कार ही होगा. कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम हमेशा सेम होगा, ये कभी डिफरेंट नहीं हो सकता. ठीक है, इट हैज सेम नेम एज द नेम ऑफ क्लास. थर्ड पॉइंट, इट हैज नो रिटर्न टाइप. इसकी रिटर्न टाइप नहीं होगी. जैसे आमतौर पर हम मेथड जो भी बनाते हैं, हम मेथड की कोई ना कोई रिटर्न टाइप रखते हैं. जैसे मेथड इंटीजर रिटर्न कर रहा है तो उसकी रिटर्न टाइप इंट होगी, फ्लोट रिटर्न कर रहा है तो उसकी रिटर्न टाइप फ्लोट होगी, या कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा तो हम उसकी रिटर्न टाइप क्या रख लेते हैं, वॉइड रख देते हैं. लेकिन कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी, इवन नॉट वॉइड. वॉइड भी नहीं होगी इसकी रिटर्न टाइप. आपने शुरू में वॉइड भी नहीं लिखना कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप में. ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ मेथड, इट हैज द सेम नेम एज द नेम ऑफ द क्लास, इट हैज नो रिटर्न टाइप, इवन नॉट वॉइड. वी कैन पास आर्ग्यूमेंट्स टू कंस्ट्रक्टर. इसको आप आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं, रिटर्न इसने कुछ नहीं करना, ये बात ध्यान में रहे, रिटर्न इसने कुछ नहीं करना. हाँ, इसको आर्ग्यूमेंट्स पास किए जा सकते हैं, वो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. एक आर्ग्यूमेंट पास करना है एक आर्ग्यूमेंट पास कर दें, ज्यादा पास करना है तो ज्यादा पास कर, आर्ग्यूमेंट्स इसको पास किए जा सकते हैं. फिफ्थ पॉइंट, इफ देयर इज नो यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, then still fan thoda tez kar lo ye wala, then still there will be a constructor. That is डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया खुद से, यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर कोई नहीं है, कोई नहीं है, फिर भी एक कंस्ट्रक्टर होगा और उस कंस्ट्रक्टर को हम कहेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. ठीक है, वो कंस्ट्रक्टर हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाएगा, जो आपको हर जावा की एप्लीकेशन में या हर जावा की क्लास में आपको अवेलेबल होगा. जैसे अभी मैंने ये एक क्लास बनाई है ना, इस क्लास के अंदर मैंने एक मेथड बनाया है और उस मेथड का नाम मैंने रखा है कैलकुलेट एवरेज. क्या मैंने इस क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाया? क्यों भाई, बनाया या नहीं बनाया? कैसे पता लगा कि नहीं बनाया? कैसे पता लगा? क्योंकि क्लास का नाम है स्टूडेंट और स्टूडेंट के नाम का कोई मैंने मेथड नहीं बनाया था. मैंने एक ही मेथड बनाया और उस मेथड का नाम मैंने रखा है कैलकुलेट एवरेज. मैंने ऐसा कोई मेथड नहीं बनाया. देखो जरा इधर, मैंने नहीं लिखा पब्लिक वॉइड, या वॉइड नहीं भी लिखता मैं तो स्टूडेंट. स्टूडेंट के नाम का मैंने कोई मेथड नहीं बनाया, ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उसको मैं खत्म कर रहा हूँ.
इस क्लास में, जिस क्लास का नाम स्टूडेंट है, इस पूरी क्लास में स्टूडेंट नाम का कोई मेथड नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस क्लास के अंदर मैंने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का नाम वही होगा जो क्लास का नाम है। अब क्लास का नाम है स्टूडेंट, इस क्लास के अंदर स्टूडेंट नाम का कोई मेथड मैंने नहीं बनाया, इसका मतलब मैंने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। लेकिन फिर भी यहां पर एक कंस्ट्रक्टर अवेलेबल होगा और उस कंस्ट्रक्टर को हम कहेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जैसे मैं यहां पर ये कंस्ट्रक्टर को मैंने इस्तेमाल किया, मैंने यूज किया कंस्ट्रक्टर को, यहां पर बनाया तो नहीं था लेकिन मैं यूज कर रहा हूं। अब ये जो मैं यूज कर रहा हूं ये कहां से आ गया, ये डिफॉल्ट है बेसिकली, जो कि आपको JVM हर क्लास के लिए प्रोवाइड करेगा। बात क्लियर होगी कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर किसे कहेंगे, ये कोई एक्सप्लेन करेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर? हाँ जी, हाँ कि भाई अगर आपने किसी क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, उस क्लास के लिए कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, तो भी उस क्लास के लिए एक कंस्ट्रक्टर अवेलेबल होगा, उसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहेंगे। और जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज ऑलवेज पैरामीटरलेस। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमेशा पैरामीटर लेस होगा, उसको कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया जाएगा, एम्प्टी पैरेंथेसिस होगी। जैसा कि मैंने अभी यहां पर लिखा है, इसको कॉल करते वक्त मैंने पैरेंथेसिस को खाली रखा है, यहां मैंने इसको कोई वैल्यू पास नहीं की, क्योंकि मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा हूं और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कभी कोई वैल्यू पास नहीं करनी। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमेशा पैरामीटर लेस होगा। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपना कोई कंस्ट्रक्टर बना लें और उसमें कोई वैल्यूज पास कर दें। अब उस कंस्ट्रक्टर को आप कॉल करें, जब आप उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो फिर आप उतनी वैल्यूज जितनी आपने मेंशन की थी उतनी आप पास कर देंगे उसके अंदर, लेकिन डिफॉल्ट को आपने कोई वैल्यू पास नहीं कर दी। ठीक है, सेवंथ पॉइंट, व्हेन वी डिफाइन आर ओन कंस्ट्रक्टर देन देन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विल नो मोर अवेलेबल। जब आप अपना कोई कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, चाहे आपने जो कंस्ट्रक्टर बनाया वो पैरामीटर लेस बनाया, पैरामीटराइज्ड बनाया, जब आपने अपना कोई कंस्ट्रक्टर बना दिया तो वो जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था वो खत्म, फिर वो इस्तेमाल नहीं होगा, फिर वो यूज नहीं होगा। फिर जो आपने कंस्ट्रक्टर बना दिया फिर वही कंस्ट्रक्टर आपको यूज करना होगा। बात क्लियर होगी? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कब तक अवेलेबल होगा? जब तक आपने अपना कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया। जैसे ही आपने अपना कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो था वो अब खत्म, उसको फिर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कंस्ट्रक्टर यूज होगा किस लिए? एट्थ पॉइंट, कंस्ट्रक्टर इज यूज टू असाइन वैल्यूज टू डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास। जो क्लास के डाटा मेंबर्स हैं, जैसा कि मैंने यहां पर डाटा मेंबर्स ये लिए हैं, ये डाटा मेंबर्स कहलाएंगे, इसको हम सिंपली हम डाटा कह रहे होते हैं लेकिन प्रॉपर टर्मिनोलॉजी में हम डाटा मेंबर का वर्ड इनके लिए यूज करते हैं। तो ये डाटा मेंबर्स हैं, जैसे मैंने यहां पे रोल नंबर लिया, मार्क्स लिया या नेम लिया, ये डाटा मेंबर्स हैं।
कंस्ट्रक्टर किस लिए यूज होगा? कंस्ट्रक्टर यूज होगा डेटा मेंबर्स को वैल्यूज असाइन करने के लिए। कि देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूँ S1, मैं चाहता हूँ कि S1 का रोल नंबर हो 101, उसका नेम हो अली और उसके मार्क्स हो 550। मैं चाहता हूँ कि जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो इन वैल्यूज के साथ क्रिएट हो, तो फिर मैं ये वाली वैल्यूज कंस्ट्रक्टर को पास कर दूंगा कि भाई ये वाली वैल्यूज ले जाओ और एक ऑब्जेक्ट मुझे बना दो इन वैल्यूज को यूज करते हुए। अब कंस्ट्रक्टर उन वैल्यूज को यूज करते हुए एक ऑब्जेक्ट आपको बना के दे देगा। तो ये कंस्ट्रक्टर किस लिए यूज हो रहा है? कंस्ट्रक्टर यूज हो रहा है ताकि डाटा मेंबर्स को आप कोई वैल्यूज असाइन करवा सके। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, फिर से रिपीट कर देता हूं। मैं एक स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूं। ओके, देखो स्टूडेंट जो अभी हमने बनाया ना वो है क्लास। क्लास होती है एक डाटा टाइप, एक जेनेरिक कॉन्सेप्ट है, एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। अब जितने स्टूडेंट्स हैं मुझे हर स्टूडेंट के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। हर ऑब्जेक्ट एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स अगर हैं तो मैं 30 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करूंगा एमसीएस सेकंड सेमेस्टर के। हर ऑब्जेक्ट एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। क्लास एक दफा बनाई, ऑब्जेक्ट मैं 30 ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा एक क्लास के लिए, आप लोगों की क्लास के लिए। मैं चाहूंगा कि भी पहला स्टूडेंट है उसका रोल नंबर कुछ और हो, उसका नेम कुछ और हो, उसके मार्क्स कुछ और होंगे ऑब्वियसली। मैं चाहता हूं कि पहला ऑब्जेक्ट जो बने वो इन वैल्यूज के साथ बने, दूसरा ऑब्जेक्ट बने तो वो इन वैल्यूज के साथ बने, तो वो मैं वैल्यूज कंस्ट्रक्टर को पास कर दूंगा। कंस्ट्रक्टर उन वैल्यूज को ले गए फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो कौन सी वैल्यूज असाइन करेगा? ये जो मैं वैल्यूज बता रहा हूं ना कि भी रोल नंबर 101 हो जाए, नेम जो है उसका अली हो जाए और उसके मार्क्स जो है वो 550 हो जाए, ये तो हम वैल्यूज पास कर रहे हैं, वैल्यूज पास कर रहे हैं। और जो वैल्यूज पास होती है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में नहीं होगी, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गई पैरामीटर लेस। बात को जरा समझें कि जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मैं चाह रहा हूं कि स्टूडेंट का रोल नंबर 110 हो, उसका नेम अली हो और उसके मार्क्स 550 हो, तो ये वाली वैल्यूज आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को नहीं दे सकते भाई। क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो पैरामीटर लेस होगा, आप उसको वैल्यूज नहीं दे सकते। अच्छा, जब आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को वैल्यूज नहीं दे सकते तो फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन सी वैल्यूज असाइन करेगा? क्यों भाई, फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन सी वैल्यूज असाइन करेगा? तो वो बात आप फिर देख लें कि जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विल असाइन 0 टू इंटीजर टाइप डाटा मेंबर्स। कि अगर क्लास में कोई इंटीजर टाइप डाटा मेंबर्स हैं तो वो उनको 0 असाइन करेगा सबको, एंड 0.0 टू फ्लोट और डबल टाइप डाटा मेंबर्स, एंड नल टू रेफरेंस टाइप डाटा मेंबर्स। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या वैल्यूज देगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जितने भी आपके इंटीजर टाइप के डाटा मेंबर्स होंगे उन सबको 0 साइन करेगा, फ्लोटिंग पॉइंट वालों को 0.0 और रेफरेंस टाइप वालों को नल। अब रेफरेंस टाइप से क्या मुराद है? देखो रेफरेंस टाइप का मतलब यह है कि जहां पर भी आपके एड्रेसेस स्टोर होते हैं, जैसे एरेज आप लेते हैं या स्ट्रिंग आप ले रहे हैं, एरे भी रेफरेंस टाइप है, स्ट्रिंग भी रेफरेंस टाइप है, उनके अंदर एड्रेसेस स्टोर हो रहे होते हैं, तो वो हमारे रेफरेंस टाइप डाटा मेंबर्स कहलाएंगे।
अगर जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे कोई जैसे मैंने स्ट्रिंग ली हुई है ये वाली स्ट्रिंग, इसको क्या इसको जीरो नहीं देगा, इसको 0.0 नहीं देगा, बल्कि इसको नल असाइन करेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इंटीजर टाइप, ये इंटीजर टाइप है, इनको जीरो असाइन करेगा। ये रेफरेंस टाइप है स्ट्रिंग, इसको नल असाइन करेगा। हाँ अगर आपने अपना कोई कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है और उस कंस्ट्रक्टर में अगर आप कोई डिफरेंट वैल्यूज असाइन करवा रहे हैं तो फिर वो डिफरेंट वैल्यूज आप असाइन करवा सकते हैं। बात क्लियर होगी नहीं यहां तक? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? ये जो मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं कंस्ट्रक्टर के हवाले से, अभी थोड़ा सा अपने कंस्ट्रक्टर को और अभी थोड़ा सा डिस्कस करना है। यहां तक सब बातें क्लियर हो गई? लास्ट पॉइंट मैं कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड लिख रहा हूं, पॉइंट नंबर 10, और वो ये है कि कंस्ट्रक्टर कैन ओनली बी कॉल्ड एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, नॉट आफ्टर दैट। कंस्ट्रक्टर हमेशा सिर्फ और सिर्फ उस वक्त कॉल होगा जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है या जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा होता है तब, उसके बाद कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। जैसे इसके नाम से पता लग रहा है कंस्ट्रक्ट करने वाला, बनाने वाला, तो भाई ऑब्जेक्ट तो एक दफा ही बनेगा ना। ऑब्जेक्ट जब बनेगा तब उस ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ऑब्जेक्ट अगर बन गया उसके बाद कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो सकता। अगर आपने 10 ऑब्जेक्ट बनाए, 100 ऑब्जेक्ट बनाए, हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। हर ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर ने कॉल होना है, लेकिन सिर्फ एक दफा जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा होगा। ऑब्जेक्ट बनने के बाद कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। बात क्लियर होगी जी? इसके ऑपोजिट वैसे एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम डिस्ट्रक्टर कहते हैं। डिस्ट्रक्टर वो इसके ऑपोजिट है, कंस्ट्रक्टर का ऑपोजिट डिस्ट्रक्टर। वो भी एक मेथड है। वो मेथड उस वक्त कॉल होगा जब ऑब्जेक्ट मेमोरी में से डिस्ट्रॉय होगा। कंस्ट्रक्टर के मुताबिक हमने काफी डिटेल में हमने बात की कंस्ट्रक्टर है क्या। अब हम इन्हीं चीजों को मजीद थोड़ा सा मैं आपको एक डायग्रामेटिकली इन चीजों को थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ कि एक कंस्ट्रक्टर के कॉल होने से क्या काम हो रहा है और वो जो वेरिएबल हमने बनाए थे वो वेरिएबल जो है ये क्या काम कर रहे हैं। ये जो हमने स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया था। अब देखें हमारे पास दो तरह की मेमोरीज होती हैं। एक मेमोरी होती है जिसको हम कहते हैं स्टैक, सपोज ये मैंने बना ली, और एक बार हमारे पास मेमोरी होती है जिसको हम कहते हैं हीप। ये दो तरह की मेमोरीज हैं, इनको मैं लेबल कर देता हूं। ये स्टैक है। स्टैक आपकी स्टैटिक मेमोरी होती है, स्टैक में एलोकेशन होती है कंपाइल टाइम, जबकि हीप आपकी डायनामिक मेमोरी है और उसमें एलोकेशन होती है रन टाइम पर। ये जो हमने ये स्टेटमेंट अगर आप इसको देखो स्टूडेंट S1, तो ये जो S1 है ये एक वेरिएबल होगा और ये वेरिएबल क्रिएट होगा स्टैक में। वेरिएबल स्टैक में क्रिएट होगा, इसका नाम रख दिया जाएगा S1, वेरिएबल का नाम है। इस चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये पहले वाला पोर्शन स्टूडेंट S1, इससे क्या होगा स्टैक में एक वेरिएबल बनेगा, उस वेरिएबल का नाम रख दिया जाएगा S1, और उसके बाद वाली जो स्टेटमेंट है न्यू स्टूडेंट, ये स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर है। यहाँ पर न्यू मैं आपको बताया कीवर्ड है जो आपको हीप में से मेमोरी देगा। तो अब आपके लिए एक ऑब्जेक्ट बनेगा हीप में, और वो जो ऑब्जेक्ट हीप में बनेगा उसका रेफरेंस या उसका एड्रेस जो है वो इस वेरिएबल के पास आ जाएगा।
वो जो भी उसका एड्रेस होगा वो इसके पास आ जाए। सपोज कर लेते हैं, हम समझने के लिए चलो मैं यहाँ पर एक एड्रेस भी लिख देता हूँ। अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है इसने काफी सारी स्पेस ऑक्यूपाई की भी होगी, इसका स्टार्टिंग एड्रेस है फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, तो इस वेरिएबल में 1 2 3 4 स्टोर हो जाएगा। बात को तवज्जो के साथ समझें, स्टूडेंट S1 लिखने से स्टैक में सिर्फ वेरिएबल बनेगा, लेकिन जब आप लिखेंगे इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं आप, न्यू को कीवर्ड यूज कर रहे हैं, तो फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा हीप में और उसका रेफरेंस आ जाएगा इसके पास, वो जो वेरिएबल जो हमारा स्टैक में क्रिएट हुआ है। इस ऑब्जेक्ट में क्या क्या कुछ होगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर रोल नंबर होगा जो मैंने वहां पर डिक्लेयर कराया था क्लास के अंदर, ठीक है। इसके अंदर यहां पर मार्क्स मैंने रखे थे और नेम रखा था, ये तीनों चीजें होंगी जी इसके अंदर। बात क्लियर हो रही है? अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूं, देखो यार सपोज मैं वहीं पे जा रहा हूं और सपोज मैं यहां पर एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट कर लेता हूं, स्टूडेंट S2 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। अब क्या होगा, अब एक और वेरिएबल हीप में क्रिएट होगा, सॉरी एक और वेरिएबल स्टैक में क्रिएट होगा, एक और ऑब्जेक्ट हीप में क्रिएट होगा और वो जो ऑब्जेक्ट हीप में क्रिएट होगा उसका एड्रेस उस दूसरे वेरिएबल के पास आ जाएगा जो कि स्टैक में क्रिएट हुआ है। इस तरह से आप जितने चाहें आप वेरिएबल्स और उनके ऑब्जेक्ट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। आप इस स्टेटमेंट के दो पार्ट्स में भी आप ये काम कर सकते हैं, कुछ ऐसे जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे स्टूडेंट S3, मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे कंप्लीट कर दी, स्पेलिंग गलत हो गया यहाँ पे। इस स्टेटमेंट से क्या काम होगा जी, स्टैक में वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, क्या कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा हीप में? वो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कराना चाह रहे हैं आप सेपरेट लाइन पर, आप उसी स्टेटमेंट को फिर कुछ इस तरह से लिख देंगे, वही काम हो गया। पहले वो जब वेरिएबल क्रिएट हुआ तब उसमें कोई भी किसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस नहीं था, अब एक ऑब्जेक्ट आपने हीप में क्रिएट कर लिया और उसका एड्रेस जो है वो आपने उस वेरिएबल को असाइन करा दिया। यही सेम काम सारे का सारा तब होता है जब आपने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया था इनपुट कराने के लिए, उस टाइम हम डिटेल में नहीं गए थे, उस टाइम जस्ट हमने थोड़ा सा ये फोकस रखा था अपना, लिमिटेड थोड़ा फोकस रखा था कि भाई इनपुट कैसे करानी है। यहां पर अब हमने उसी चीज को बहुत डिटेल के अंदर हमने एक एक चीज को हमने डिस्कस किया कि ये स्टेटमेंट लिखने से होता क्या। वहां पे बिल्कुल सेम ऐसे ही काम था, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने लिखा था स्कैनर, आगे मैंने उसका नाम रख लिया था स्कैन, नाम कुछ भी हो सकता था, इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। और यहां पर हमने उसको एक आर्ग्यूमेंट पास किया था, ये वाला काम, यानी कि वहां पर हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज किया था, उसके अंदर होगा क्लास के अंदर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर अवेलेबल होगा जी। समझे? हाँ हाँ नहीं नहीं आपको हर एक के लिए हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग स्टेटमेंट लिखनी होगी, वो करवा सकते। हाँ जी यहां तक बातें क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? हाँ स्कैनर के लिए क्लास, हमने स्कैनर वाली क्लास बिल्कुल नहीं बनाई, बल्कि हमने उसके लिए एक पैकेज इंपोर्ट किया था, आपको याद होगा java.util और .scanner, वहां पे जो हमने स्कैनर की क्लास यूज की थी वो बिल्ट इन एक पैकेज है यूटिल का, उसके अंदर स्कैनर की क्लास मौजूद थी। मैंने आपको बताया था कि जावा आपको बहुत ही जिसको आप कह लो कि रिच लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, इसके अंदर बेशुमार बेतहाशा क्लासेस हैं, पैकेजेस हैं और हर पैकेज के अंदर बेशुमार क्लासेस और उनके अंदर बेशुमार मेथड्स हैं, तो वो हमने एक बिल्ट इन क्लास यूज की थी स्कैनर की, वो क्लास हमने नहीं बनाई थी।
अब हम क्लास अपनी खुद बना रहे हैं। कोई और क्वेश्चन, कुछ और चीज पूछना चाहे? अच्छा, आप जरा देखें कि ये जो हमने हमने यहां पे तीन ऑब्जेक्ट्स बनाए, S1, S2 और S3, ठीक है। अच्छा, अगर सपोज मैं एक स्टेटमेंट कुछ ऐसे लिख दूं, जरा सोच के बताओ कि क्या होगा। ये स्टेटमेंट क्या काम करेगी? S2 equals to S1, क्या होगा इससे? S1 का एड्रेस हाँ, क्योंकि S1 के पास बेसिकली एक ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। S1 के पास जिस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है वही एड्रेस मिल जाएगा S2 को। इसका मतलब ये होगा कि ये फिर S1 और S2 दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे होंगे। देखो यार, सपोज अगर मैं यहाँ पर एक और मैंने बना लिया, यहाँ पर ये मेरे पास बन गया S2। S2 के लिए एक और ऑब्जेक्ट बना। कंप्लीट स्टेटमेंट की अगर आप बात करें तो ये है हमारे पास S2, और ये एक और उसका ऑब्जेक्ट बना जिसमें सारा कुछ था वही, उसी तरह से रोल नंबर भी है यहाँ पर, और यहाँ पर मार्क्स भी होंगे, इधर नेम भी होगा, सारा कुछ होगा इसके लिए। और फिर इसका जो रेफरेंस है, यानी कि जो इसका एड्रेस है, वो फिर इसके पास आएगा। लेकिन जब मैंने स्टेटमेंट लिखी कि S2 equals to S1, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये वाला जो रेफरेंस था, ये वाला रेफरेंस फिर खत्म हो जाएगा, बल्कि जो इसका एड्रेस था वो इसके पास आ जाएगा। ओके, इसके पास आएगा 1234, तो 1234 बेसिकली इसी का एड्रेस है। इसका मतलब ये हुआ कि फिर अब ये दोनों वेरिएबल्स एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे होंगे। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन एक बात कि जो इसका एड्रेस था इस वाले ऑब्जेक्ट का, जो पहले S2 के पास था, वो अब क्या हो गया? लॉस्ट हो गया, क्योंकि वेरिएबल में एक वक्त में एक ही वैल्यू रहती है। S2 में इसका एड्रेस था, लेकिन जैसे ही आपने कहा कि S2 equals to S1, तो फिर S2 के पास तो ये वाला एड्रेस आ गया ना, 1234 वाला, पुराने वाला एड्रेस ओवरराइट हो गया। तो क्या ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, क्या इस ऑब्जेक्ट को अब हम किसी तरह से एक्सेस कर सकेंगे? क्या इस ऑब्जेक्ट को किसी तरह से इस्तेमाल किया जा सकेगा? क्या ख्याल, क्या गेस करते हैं आप? क्यों भाई? बिल्कुल। अब S1 और S2 दोनों तो मिलकर इस वाले ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को तो कोई रेफर कर ही नहीं रहा। इसका एड्रेस पहले था S2 के पास, अब नहीं है। इसका एड्रेस अब किसी के पास भी नहीं रहा, ये वाला जो ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट मेमोरी में पड़ा तो होगा, लेकिन इसको कोई एक्सेस नहीं कर सकेगा, क्योंकि इसका रेफरेंस लॉस्ट हो गया, इसका एड्रेस लॉस्ट हो गया। ठीक है जी, अब क्या होना चाहिए? क्या क्या करना चाहिए? क्योंकि देखो, अगर आप इस तरह से ऑब्जेक्ट्स अगर मेमोरी के अंदर बहुत सारे हों जिनका रेफरेंस किसी के पास नहीं है, फिर तो हमारी मेमोरी वेस्ट होती रहेगी ना। मेमोरी हमारी ऑक्यूपाइड रहेगी, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट ने तो स्पेस कोई ना कोई ली हुई है, और ऑब्जेक्ट्स होंगे वो भी स्पेसेस ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, तो फिर क्या होगा?
क्या दोबारा से, दोबारा से S2 को वो फिर कोई और ऑब्जेक्ट बनाएगा, इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस नहीं देगा। आप ये कहना चाह रही हो ना कि हम S2 के लिए कोई और ऑब्जेक्ट एक दफा फिर से बना लें। यदि हम कर दें कि जी S2 equals to new student ऐसे, तो इसके लिए तो वो फिर एक नया ऑब्जेक्ट ही पे क्रिएट करेगा। अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट होगा और फिर उसका रेफरेंस इसके पास आएगा, इस वाले का रेफरेंस फिर भी नहीं आएगा। जब एक दफा रेफरेंस लॉस्ट हो गया, जब एड्रेस एक दफा लॉस्ट हो गया, वो दोबारा रिकवर नहीं हो सकता। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑब्जेक्ट आपके लिए एक्सेसिबल बिल्कुल ही नहीं रहा, किसी भी तरह से अब आप इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप इसको पहले किसी S3 या S2 में इसका एड्रेस रख लेते और फिर S2 को S1 का एड्रेस दे देते, फिर इसका एड्रेस हमने सेव कर लिया था, फिर हमने इसका रेफरेंस हमने सेव कर लिया था, फिर हम इस्तेमाल कर सकते थे, अब नहीं कर सकते। अब यहाँ पर क्या इस ऑब्जेक्ट को मेमोरी में मौजूद रहना चाहिए? इसके मेमोरी में मौजूद रहने से कोई हमें फायदा, कोई इसका यूज कोई हो सकता है या नहीं? फायदा से कोई भी नहीं है, इसको हम यूज कर ही नहीं सकते। तो इसके अब हमें चाहिए कि हम इसको मेमोरी में से डिस्ट्रॉय कर दें, इसको खत्म हो जाना चाहिए मेमोरी में से। इसको मेमोरी में से डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। अब यहां पर डिस्ट्रॉय करने के लिए भी एक कॉन्सेप्ट है अलग से, जिसको हम कहते हैं जावा में गार्बेज कलेक्टर। क्योंकि गार्बेज हो गया ना बेसिकली ऑब्जेक्ट हमारे लिए, क्योंकि एक्सेसिबल नहीं रहा हमारे लिए, ये मीनिंगफुल ही नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि ये चीज हमारे लिए अब गार्बेज बन गई, तो उसको हम कहते हैं गार्बेज कलेक्टर। एक मिनट हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे गार्बेज कलेक्टर की, कि गार्बेज कलेक्टर क्या काम करेगा। इसको हम इन शॉर्ट जीसी कह देते हैं, जीसी गार्बेज कलेक्टर। इसने क्या काम करना है? इसने देखना है कि मेमोरी में यानी कि हीप में, हीप में कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं
जिनका कोई रेफरेंस नहीं है, जिनका रेफरेंस किसी के पास नहीं है, उसने इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी में से डिस्ट्रॉय कर देता। यानी जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना कि भाई ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसका रेफरेंस लॉस्ट हो गया है, इसको रेफर नहीं किया जा सकता, इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो आप गार्बेज कलेक्टर ने ये काम करना है कि वो ये देखेगा, वो रेंडमली रैंडम पीरियड ऑफ टाइम के बाद गार्बेज कलेक्टर वो ये चेक कर लेता है कि ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स मेमोरी के अंदर मौजूद है जिनका रेफरेंस नहीं है, और फिर वो उनको डिस्ट्रॉय कर दे, हीप में से उन ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दे। ठीक है जी। वापस आते नहीं उतनी, इन स्टेटमेंट्स को अब मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है हमारे पास। अब ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास S1, इसके अंदर कौन कौन सा डाटा स्टोर करवाया जा सकता है? इसमें नेम, रोल नंबर, मार्क्स स्टोर कराए जा सकते हैं। आप अगर आप लिखना चाहें यहाँ पर, आप लिखेंगे S1 डॉट, जैसे ही आप लगाएंगे तो इंटेलिजेंस के ऊपर यहाँ पे देखो उसके मार्क्स, नेम और रोल नंबर, ये तीन ऑप्शंस आपको डाटा मेंबर्स की मिल रही हैं। और उसके अलावा यहाँ पर ये कुछ मेथड्स भी आपको मिल रहे हैं, कैलकुलेट एवरेज मैंने बनाया था, इक्वल्स तो मैंने नहीं बनाया था, गेट क्लास मैंने नहीं बनाया, ये हैश कोड, नोटिफाई, ये तो मैंने नहीं बनाए। तो ये मेथड्स कैसे आ गए? देखो मैंने डाटा मेंबर्स तीन बनाए थे, वो तो आने चाहिए थे ये तीन। मैंने ये वाला मेथड भी बनाया था कैलकुलेट एवरेज का, ये भी आना चाहिए था, वो आ रहा है। लेकिन बाकी मेथड्स जो हैं वो कैसे आ रहे हैं? तो ये बात ध्यान में रखो कि जब भी आप कोई अपनी क्लास बनाते हैं, जब भी आप कोई अपनी क्लास बनाते हैं, सपोज मैंने क्लास बनाई थी स्टूडेंट की, मैंने क्लास बनाई स्टूडेंट की, तो जब भी आप अपनी कोई क्लास बनाते हैं तो हमारी तमाम की तमाम क्लासेस एक और क्लास से इनहेरिटेड होती हैं, और उस क्लास का नाम होता है ऑब्जेक्ट क्लास। मैंने तो स्टूडेंट की क्लास बनाई है ना, ये जो ऑब्जेक्ट की क्लास है ये पहले से मौजूद है, प्री डिफाइंड क्लास। आप जितनी भी क्लासेस बनाएंगे वो क्लास ऑब्जेक्ट से इनहेरिटेड होगी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जावा में तमाम क्लासेस की जो रूट क्लास है, पेरेंट क्लास है सब की, वो ऑब्जेक्ट क्लास है। अब वो जो मेथड्स है ना, जो आपको नोटिफाई वगैरह के जो मेथड्स आपको नजर आ रहे हैं, वो बेसिकली इस क्लास के हैं। नोटिफाई टू स्ट्रिंग, अब इस क्लास ने, स्टूडेंट क्लास ने ये मेथड अपनी पेरेंट क्लास से इनहेरिट किए हुए हैं, वो जो वहां पर आपको नजर आ रहे हैं, ये देखिए। ये सब के, ये वाला मेथड इक्वल्स, गेट क्लास, हैश कोड, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल टू स्ट्रिंग, वेट वेट, ये सब के सब मेथड ऑब्जेक्ट क्लास से इनहेरिट किए हैं हमारी क्लास ने, स्टूडेंट क्लास। और हर क्लास के अंदर ऐसा ही होगा क्योंकि सब की सब क्लासेस ऑब्जेक्ट क्लास से इनहेरिटेड होंगी। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। अब ये जो हमने डाटा मेंबर्स रखे, इन डाटा मेंबर्स के साथ
ये अगर आप देखो तो यहाँ पे डाटा मेंबर्स एक्सेस हो रहे हैं ना, मार्क्स नेम और रोल नंबर। ये क्लास और है जहां पर हम उनको यूज कर रहे हैं, उन डाटा मेंबर्स को डिक्लेयर हमने इस क्लास के अंदर किए थे, ऐसे ही है ना। तो वो जो हमने कल एक कॉन्सेप्ट देखा था, एक डायग्राम हमने देखी थी एनकैप्सुलेशन वाले फिगर को, जब हम डिस्कस कर रहे थे बुक में से, तो हमने देखा था कि कुछ आपके मेंबर्स ऐसे थे जो बाउंड्री जो थी उसके अंदर थे, और वो तीन ऐसे थे जो व्हाइट कलर में थे बाहर थे। बेसिकली यहाँ पर ये जो हमने डाटा मेंबर्स यहाँ पे रखे, इनको हमने प्राइवेट नहीं बनाया, ये प्राइवेट नहीं है, इनको कोई और क्लास एक्सेस कर सकती है। अगर आप ये चाहते हैं कि इन डाटा मेंबर्स को कोई और क्लास एक्सेस ना कर सके, और होना भी ऐसे चाहिए कि डाटा को हमें सेफ रखना है, डाटा को हमें सिक्योर रखना है, कि ये ना हो कि इंटेंशनली और अनइंटेंशनली कोई और क्लास हमारे किसी दूसरे क्लास के डाटा को मॉडिफाई कर दे, उसको डिलीट कर दे, या इवन उसको यूज कर सके, देख सके। हमें अपने डाटा को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए हम अपने डाटा मेंबर्स को प्राइवेट रखते हैं, डाटा मेंबर्स को प्राइवेट रखते हैं, और मेथड्स जो होते हैं उनको पब्लिक रखा जाता है। डाटा मेंबर्स को प्राइवेट रखा जाता है ताकि कोई और हमारे डाटा मेंबर्स को या डाटा को व्यू ना कर सके, चेंज ना कर सके, डिलीट ना कर सके, लेकिन मेथड्स को हम रखते हैं पब्लिक, ताकि मेथड्स को कोई और क्लास इस्तेमाल कर सके, यूज कर सके। इसकी तरह बिल्कुल ऐसे ही आप समझ लो, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल, कि जैसे आप कोई गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, तो उसमें आपको कुछ चीजें ऐसी, आपको कुछ इंटरफेस बना के दे दिया गया जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टीयरिंग है, एक्सेलरेटर है, ब्रेक है, गियर वगैरह, वो एक इंटरफेस है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके इंजन में बेशुमार ऐसे पुर्जे हैं, बेशुमार ऐसी चीजें लगी हैं जिनको आप डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनको आप इस्तेमाल कर तो रहे होते हैं लेकिन इंटरफेस के जरिए से। बहुत सारे पुर्जे ऐसे हैं जिनको आप देख भी नहीं सकते, लेकिन जैसे ही आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो अपने तमाम पुर्जे अपने काम करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है आपने उनको इस्तेमाल तो किया लेकिन एक इंटरफेस के जरिए से, डायरेक्टली नहीं, वो चीजें ओपन नहीं है आपके सामने, क्योंकि अगर उनको ओपन रख दिया जाता तो कोई भी गड़बड़ हो सकती थी। अनजाने में हो सकता है कि आप उनको उनका उनको कुछ आपसे कुछ ऐसी कोई गलती हो जाती कि वो अपना प्रॉपर काम ही ना कर पाते। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन सब चीजों को उन्होंने एनकैप्सुलेट कर दिया, उनको आपसे हाइड कर दिया है कि भाई यूजर जो है उसको जो है वो डायरेक्ट उसको डायरेक्ट उसके साथ इंटरेक्शन ना करें, मेथड्स के जरिए से करें। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, हमें करना ये चाहिए कि ये जो हमारे मेंबर्स हैं इन मेंबर्स को हम प्राइवेट बना लें, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे प्राइवेट बनाने के लिए हम उसके पहले लिख लेंगे प्राइवेट, बस प्राइवेट हमने लिख दिया, तो वो हमारे मेंबर्स जो हैं वो मेंबर्स हमारे प्राइवेट बन गए। देखें जो मेंबर्स प्राइवेट है ना, वो सिर्फ उसी क्लास में एक्सेसिबल होंगे जिस क्लास में आपने उनको डिक्लेयर किया, उस क्लास के बाहर वो बिल्कुल अवेलेबल नहीं, अवेलेबल ही नहीं होंगे क्योंकि वो प्राइवेट हो गए। देखिए कोई चीज होती है तो पब्लिक होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी पार्क में जाते हैं, वहां पे कोई बेंच रखा हुआ है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, आप भी वहां पे जाके बैठ सकते हैं, कोई अगर वो खाली होगा तो कोई और भी आके बैठ सकता है, आप उसको बाउंड कर सकते हैं कि ये बेंच जो मेरा है, वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारी प्राइवेट होती है, हमारी पर्सनल होती है,
उनको हम हरगिज भी किसी और को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। हाँ, अगर हम किसी को ज्यादा देना चाहें तो हम दे सकते हैं, वो हमारे पे डिपेंड करता है, लेकिन हमने उनको प्रोटेक्टेड रखना है, हमने उनको सेफ रखना है कि कोई और हमारी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल ना करे। आप हरगिज नहीं चाहेंगे कि आपके घर में कोई और बंदा बाहर का आके जो है वो खान साहब में रहना शुरू कर दे, आके वो सुकून से जो है वो आपके ड्राइंग रूम के सोफे के ऊपर आके बैठ जाए बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी पर्पज के। सेम यही केस यहाँ पर है कि आपने डाटा मेंबर्स को क्या करना है, डाटा मेंबर्स को रखना है प्राइवेट। अच्छा, ये प्राइवेट हो जाएंगे तो इनको किसी दूसरी क्लास में एक्सेस नहीं किया जा सकेगा। अब यही चीज यहाँ पर आप देख लें, चेक कर लें कि अब जब मैं एस वन और डॉट लगा रहा हूं तो अब देखो वो जो डाटा मेंबर्स पहले नजर आ रहे थे अब यहाँ पर वो एक्सेसिबल ही नहीं हो रहे, वो विजिबल ही नहीं है यहाँ पर, उनको आप यहाँ इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। मेथड एक मिल रहा है आपको कैलकुलेट एवरेज वाला, वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये मेथड हमारा पब्लिक है, जो पब्लिक होगी जो चीज वो एक्सेसिबल होगी, उसको इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब ये जो मेंबर्स हैं जिनको हमने प्राइवेट बना दिया और अब ये एक्सेस ही नहीं हो पा रहे, तो हम इनको किसी दूसरी क्लास से अगर एक्सेस करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? इसके लिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, मेथड्स बना लें और मेथड्स के जरिए से आप उन मेंबर्स को एक्सेस करें, ठीक है? अब कैसे भला? इधर देखो, मैं मेथड बनाने लगा हूं, मैं ये चाहता हूं, अब रिक्वायरमेंट सुनो पहले मेरी, मैं ये चाहता हूं कि मैं इस क्लास में बैठ के S1 जो ऑब्जेक्ट है उसका कोई रोल नंबर बता सकूं कि उसको उसका ये वाला रोल नंबर रख दो, उसके ये वाले मार्क्स रख दो, उसका ये वाला नेम रख दो। और अगर मैं देखना चाहूं कि भाई S1 का रोल नंबर क्या है, S1 के मार्क्स क्या है, S1 का नेम क्या है, तो वो मैं देख सकूं। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने डाटा मेंबर्स को वैल्यूज असाइन भी करना चाह रहा हूं और डाटा मेंबर्स की वैल्यूज को गेट भी करना चाह रहा हूं, असाइन भी करना चाह रहा हूं, गेट भी करना चाह रहा हूं। तो उसके लिए आप क्या काम करेंगे? उसके लिए आप सिंपल से मेथड बना सकते हैं, बहुत सिंपल मेथड। कैसे भला? अब देखते जाओ तवज्जो के साथ, मैं पहले एक मेथड बनाना चाह रहा हूं रोल नंबर की वैल्यू को असाइन करने के लिए। तो असाइन करने के लिए फिर मैं यहां पे लिखूंगा मेथड, मैं बनाऊंगा पब्लिक, मेथड हमारे पब्लिक होंगे, ये मेथड कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है? मेथड सेट करेगा वैल्यू को, किसकी वैल्यू को? रोल नंबर की वैल्यू। मैं उसका नाम भी कुछ ऐसा ही रख रहा हूं ताकि मुझे उसको देखते के साथ ही पता लग जाएगा ये मेथड क्या काम करेगा। उसको मैंने मेथड का नाम लिख दिया सेट रोल नंबर, और इसको मैं एक वैल्यू पास करवा देता हूं इंट फॉर एग्जांपल आर, और यहां पे मैं कर देता हूं कि जी रोल नंबर इक्वल्स टू आर। ये मैंने एक सिंपल सा मेथड बना दिया जो क्या काम करेगा, रोल नंबर की वैल्यू को सेट करेगा। कैसे? अब देखो, अब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं s1 डॉट, ये देखो ये सेट रोल नंबर वाला मेथड हमें मिल रहा है। मैं कहता हूं सेट रोल नंबर, इसका रोल नंबर मैं दे देता हूं यहां पर फॉर एग्जांपल 110। मैं कह रहा हूं कि s1 का रोल नंबर 110 सेट कर दो, ये मेथड कॉल कर रहा हूं मैं, और इसको मैं पास क्या कर रहा हूं 110। ये 110 वैल्यू पास होकर r को मिलेगी और r से वो वाली वैल्यू रोल नंबर को मिल जाएगी। एक इंटरफेस बन गया, एक चैनल बन गया, डायरेक्ट उस वेरिएबल तक हमने एक्सेस नहीं दी। बिल्कुल सेम उसी तरह से जैसे मैंने आपको गाड़ी के इंजन की एग्जांपल दी कि हमें ये परमिशन नहीं दी जाती कि आप किसी भी इंजन को आप खुद से ही आप उसको इस्तेमाल या उसको जो है वो उसको यूज करना शुरू कर दें। हाँ, एक इंटरफेस के जरिए से आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो ये वाला मेथड क्या काम कर रहा है, वैल्यू असाइन करवा रहा है।
जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू साइन करवा दी, कभी एस वन का रोल नंबर 110 रख दो। मैं इसी तरह से चाहता हूँ कि अगर मुझे रोल नंबर गेट करना हो तो मैं रोल नंबर गेट भी कर सकूँ किसी दूसरी क्लास में। अगर मैं रोल नंबर देखना चाह रहा हूँ कि भाई S1 का रोल नंबर क्या है, तो मुझे मिल सके कि भाई S1 का ये रोल नंबर है, तो अब उसके लिए आपको एक और मेथड बनाना होगा। वो मेथड आप कैसे बना लेंगे? पब्लिक। अब ये वाला जो मेथड होगा ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि रोल नंबर की डाटा टाइप इंटीजर है और मैं उसका नाम रख रहा हूँ गेट रोल नंबर, और हमने इसको कोई वैल्यू पास नहीं करी। इसको हमने कोई वैल्यू पास नहीं करनी, लेकिन ये वाला मेथड एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। किसकी वैल्यू रिटर्न करेगा? रोल नंबर की वैल्यू रिटर्न करेगा। वो रोल नंबर वाला मेंबर यहाँ पे बना हुआ है, क्योंकि प्राइवेट है, प्राइवेट मेंबर उस क्लास में यूज हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे रोल नंबर इस्तेमाल हो सकता है। मैं कह रही रोल नंबर की वैल्यू रिटर्न कर दो। अब इधर आ जाओ नीचे वाली क्लास में। मैंने S1 का रोल नंबर सेट किया 110। अब मैं देखना चाह रहा हूं कि S1 का रोल नंबर क्या है, तो उसके लिए मैं क्या काम करता हूं, मैं यहां पे एक इंटीजर वेरिएबल ले लेता हूं int, फॉर एग्जांपल उसका नाम मैंने रख लिया जी रोल नंबर, और मैं कहता हूं कि रोल नंबर इक्वल्स टू S1.getRollNumber। तो बच्चों के साथ चीजों को देखें, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल से मेथड्स हैं। यहां पर मैंने मेथड कॉल किया सेट वाला और उसको मैंने 110 पास किया, ये 110 मिला R को और R से वो असाइन हो गया रोल नंबर को, ठीक है, ये बात तो क्लियर है। उसके बाद मैंने लिखा ये स्टेटमेंट S1.getRollNumber, मैं S1 का getRollNumber मेथड कॉल कर रहा हूं, ये वाला मेथड क्या काम करेगा, ये रोल नंबर की वैल्यू को रिटर्न करेगा। जब ये रिटर्न करेगा तो वो रोल नंबर की वैल्यू किस में आ जाएगी, इस वाले वेरिएबल में आ जाएगी, क्योंकि हम ऐसे तो करते थे कि कोई मेथड, कोई फंक्शन अगर कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है तो हम एक वेरिएबल यूज करते हैं, वेरिएबल इक्वल्स टू आगे हम उस फंक्शन का नाम लिख लिया करते थे। यहाँ पे बस हम टर्म हमने थोड़ी सी चेंज कर ली, हम फंक्शन की जगह हम जो है वो मेथड का वर्ड यूज कर रहे हैं। हमने मेथड को कॉल किया S1 के साथ, तो ये एक रोल नंबर रिटर्न करेगा और इस वेरिएबल में आ जाएगा। इसको आप प्रिंट करवा के देख सकते हैं, रोल नंबर ऑफ S1 इज, और आगे मैं यहां पे रोल नंबर वाले वेरिएबल को प्रिंट करा रहा हूं। इसको मैं रन कर देखें, S1 का रोल नंबर हमें मिल गया दूसरी क्लास में। ये रोल नंबर प्राइवेट था, ये आउटसाइड द क्लास नहीं मिलना था। हमने देखा भी कि आउटसाइड द क्लास, जब जैसे ही मैंने उसे प्राइवेट किया तो आउटसाइड द क्लास वो एक्सेसिबल नहीं रहा, तो उसके लिए फिर हमने मेथड बनाए, एक सेट का मेथड बनाया जो उसकी वैल्यू को सेट कर रहा है और एक गेट का मेथड बनाया जो उसकी वैल्यू को गेट कर रहा है। ऐसे मेथड्स जो किसी डाटा मेंबर की वैल्यू को सेट करवा रहे होते हैं उनको जावा में हम सेटर मेथड्स कहते हैं, सेटर, क्योंकि वो सेट कर रहे होते हैं वैल्यूज को। या इसके लिए एक वर्ड और भी हम यूज कर लेते हैं और वो है म्यूटेटर मेथड, म्यूटेटर, और जो वैल्यूज को गेट करने के लिए यूज किए जाते हैं उनको हम गेटर मेथड्स, या इनको हम एक्सेसर भी कह सकते हैं, क्योंकि बेसिकली
वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इस तरह के मेथड आप अपने तमाम डाटा मेंबर्स के लिए बनाएंगे, हर डाटा मेंबर के लिए, क्योंकि आपने डाटा मेंबर्स को सेफ रखना है, प्रोटेक्टेड रखना है, उनको आपने डायरेक्ट एक्सेस बाहर से नहीं देनी, चैनल के थ्रू देनी है, मेथड बना के उनको एक्सेस देनी है। सेम इसी तरह का मेथड मार्स के लिए बना सकते हैं। चलो बनवाओ, कैसे बनेगा? पब्लिक वाइड सेट मार्क्स, और यहां पे हम क्या काम करेंगे? अच्छा, यहां पे हमें एक आर्ग्यूमेंट पास करना है, इंट हम m ले लेते हैं, और मार्क्स हमारा डाटा मेंबर है, बिल्कुल ठीक है जी, और इक्वल्स टू m। m जो है ये हमारा डाटा मेंबर नहीं है, बल्कि ये हमारा लोकल वेरिएबल है। इसका गेटर बनवाएं जी, गेटर कैसे बनेगा? ठीक है, इसी तरह से हम नेम के लिए भी बना सकते हैं। चलो नेम के लिए भी बनवाएं, पब्लिक वाइड एन तो आप लोग ही लिखवा रहे हैं, क्यों भाई? देखो, हमने नेम की वैल्यू को साइन करना है ना, तो नेम तो इंटीजर में नहीं ना होगा, तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेनी होगी, तो यहाँ पे हम डाटा टाइप लेंगे स्ट्रिंग, और आगे क्या लिखेंगे? अब इसका गेटर बनवाएंगे, वॉयस वाली साइड से आवाज आनी चाहिए। हाँ जी, लिखवा भाई। पब्लिक वॉइड हम कौन सा मेथड बनाने लगे? कौन सा मेथड बनाने लगे? गेटर मेथड बनाना है ना, वैल्यू को गेट करने के लिए। तो देखो, ये ऊपर आपके सामने दो गेटर मेथड बने पड़े हैं, एक ये भी बना हुआ है और एक ये भी बना हुआ है, उसी को देख के जरा फॉलो कर लो ना। क्या करना चाहिए हमें यहाँ पे? पब्लिक स्ट्रिंग रिटर्न होगी जी, इसका नाम हम रख रहे हैं गेट नेम, इसे कोई आर्ग्यूमेंट पास करेंगे? तीनों डाटा मेंबर्स के लिए हमने सेटर गेटर बना लिए। अब हम दूसरी क्लासेस से जाके इन सेटर गेटर्स को हम यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं इसका मैंने रोल नंबर मैंने प्रिंट करवाया, ऐसी तरह से मैं इसका इसके मार्क्स सेट करता हूँ, फिर मार्क्स को मैं गेट करके देखता हूँ, नेम मैं सेट करता हूँ और नेम को मैं गेट करके देखता हूँ। नहीं, अब देखो वो मैं अभी अभी आपको मैं करके दिखाता हूँ। मैं S1 का ना मैं मार्क्स सेट कर रहा हूँ, सेट मार्क्स सपोज 550, S1 डॉट सेट नेम, और सपोज उसको नेम मैंने पास कर दिया थी अली, और इन्हीं को मैं प्रिंट करता हूँ। तो प्रिंट आप डायरेक्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन के पर भी कर सकते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन के पर भी जाके आप गेट कर सकते हैं, और वो फिर जो वैल्यू रिटर्न होगी वो डायरेक्ट कंसोल के ऊपर चली जाएगी, किसी हम वेरिएबल में आप असाइन नहीं करवा रहे। बिल्कुल सेम वैसे ही जैसा कि आप
सी आउट लिखते वक्त आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं और फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है तो डायरेक्ट कंसोल के ऊपर प्रिंट हो जाती है। तो मैं यहाँ पे उसके मार्क्स गेट कर रहा हूँ और फिर इसी तरह से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और इसका नेम हम गेट करते हैं। तीनों वैल्यूज हमने गेट की तो इसको आप देखते हैं, इसको एप्लीकेशन को रन करके। तो देखो रोल नंबर ऑफ S1 इज 110, मार्क्स ऑफ S1 इज 550, नेम ऑफ S1 इज अली। अब मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूं, स्टूडेंट S2 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। अब आप S2 के लिए वही तमाम मेथड जो आपने अपनी क्लास में डिफाइन किए हुए हैं वो सब के सब आप यूज कर सकते हैं। आपको हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग से मेथड्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट अपनी क्लास के उन मेथड्स को शेयर कर रहे होंगे, उनको यूज कर रहे होंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ S2 डॉट सेट सेट रोल नंबर फॉर एग्जाम्पल 120, S2 dot set marks 430, S2 dot set name for example Ahmed। इसी की वैल्यूज को आपने गेट करना है तो आप गेट कर सकते हैं बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे मैंने S1 को गेट किया। मैं उसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। मार्क्स ऑफ S2 में भी S2 और इधर भी S2, मैंने उनके ऑब्जेक्ट के नेम मैंने चेंज कर दिए और यहां पर भी अब आपने मेथड चेंज कर देना है, ऑब्जेक्ट का नेम चेंज कर देना है। मार्क्स दो दफा आ रहा है, मार्क्स को हम एक दफा रखेंगे और नेम नेम भी आ गया, मार्क्स रोल नंबर रह गया तो रोल नंबर हम पहले कर लेते। यहां पर मेथड गेट रोल नंबर वाला कॉल करें, चलें इस एप्लीकेशन को आप रन करें। तो S1 और S2 का भी यहां पे अगर आप देखें तो यहां पर आपको डाटा नजर आ रहा है, रोल नंबर ऑफ S2 इज 120, name of S2 is Ahmed, marks of S2 is 430। तो आपने क्लास एक दफा बनानी है, उसके डाटा मेंबर उसके मेथड सिर्फ एक दफा बनाने और उसके बाद उस क्लास को यूज करते हुए आप जितने चाहे ऑब्जेक्ट्स बना लें, उन तमाम ऑब्जेक्ट्स के अंदर वो तमाम के तमाम डाटा मेंबर्स भी अवेलेबल होंगे और वो मेथड्स भी अवेलेबल। यहां तक कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई बात समझ ना आई? कोई मसला, कोई कंफ्यूजन किसी को? काम बहुत सिंपल है, आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो इसलिए चीजें थोड़ी सी आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे काफी कुछ हमने पढ़ लिया और काफी सारा काम हमने कर लिया, लेकिन ये काम हमारा ज्यादा नहीं है। चीजों को एक्सप्लेन करने में टाइम ज्यादा लग रहा है, अदरवाइज इनको बनाने में तो कोई टाइम रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो इसको आप जाके इसको जरा लेक्चर को अच्छी तरह से सुनना, बार बार देखना और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना, आपको हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं।